जॉब के नाम पे 1 रुपया भी नहीं देना सर, ज्वाइन या कोई चार्ज वगैरह भी लेते नहीं हैं सर। मेरे पास अभी हेल्पर का आवश्यकता है, सिलाई कारीगर का आवश्यकता है। इस तरह से होता है तो आप भी अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं और डे बाय डे मेहनत करके इससे ही बड़ी कर सकते हैं। सर जी बात करें सैलरी के, सैलरी की यहाँ पे क्या क्या चीज़ का सर? 100 पीस भी बेच दिया 20 रुपये के हिसाब से तो 2000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग बार बार कमेंट करते थे कि जॉब का वीडियो ले, जॉब का वीडियो ले, तो आप लोग कमेंट के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जॉब का वीडियो। दोस्तों आज हम आए हुए हैं सुगंधा इंटरप्राइजेस पटना में, यहाँ पे जॉब का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लोअर टी शर्ट हाफ पैंट और कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं कितना सारा मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे अगर सीट की बात करें तो अनेकों तरह का सीट वैकेंट है। ज़्यादा के ऑनर से मिलेंगे और ये बताएंगे कि क्या सैलरी होने वाला है और किस तरह से आप यहाँ पे जॉब ज्वाइन कीजिएगा और किस तरह से यहाँ पैसा का। चलिए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है सुगंधा इंटरप्राइजेस के ऑनर। तो हेलो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा भी कंपनी में स्वागत है सर आपका। सर जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अपने कंपनी का नाम और इसका एड्रेस हमारे व्यूअर को अच्छे तरीके से बता दीजिए। सर कंपनी का मेरा नाम सुगंधा इंटरप्राइजेज है। एड्रेस मेरा पड़ता है पटना बस स्टैंड 0 माइल है, वहाँ से 1 किलोमीटर महिंद्रा शोरूम है टोल टैक्स रोड में। आप ध्यान दीजिएगा किरण महिंद्रा शोरूम बोला जाता है, उसका बगल से रोड है। 5 मिनट पैदल चलने पे सुगंधा इंटरप्राइजेज आपको बाएं हाथ पे बिल्डिंग मिल जाएगा, पीला बिल्डिंग है। सर जी ये सब जितना जो मशीन लगा हुआ है क्या चीज़ का मशीन लगा हुआ है? सिंगल मशीन है, फ्लैट लॉक है, ओवर लॉक है, कंसाई मशीन है, बहुत सारे मशीन है। दोस्तों आप ये जो जितना हमारे पीछे जो मशीन देख रहे हैं इसी में इसका कारीगर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या सर? तो सर जी यहाँ पे क्या क्या चीज़ का सीट वैकेंट है? सर मेरे पास अभी हेल्पर का आवश्यकता है, सिलाई कारीगर का आवश्यकता है, कटिंग मास्टर का आवश्यकता है, लाइन सुपरवाइजर का आवश्यकता है, और ऑफिस के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा गर्ल्स या बॉयज चाहिए। मैंने लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ना, इसमें कोई अच्छी नहीं। दोस्तों लड़का हो लड़की हो कोई भी आपको जॉब करना है तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश करा, उस पर कॉल करके बात करके आसानी से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जी बात करें सैलरी के, सैलरी किस बेसिस पे आप लोग दे रहे हैं? सैलरी सर जो भी सर काम है मेरा पीस रेट का काम है। पीस रेट का ना? जी बिल्कुल। और जो हेल्पर वगैरह रहेंगे उसका सैलरी किस बेस पर है? हेल्पर मेरा इस तरह का प्रोसेस है मेरा, मार्केट में चौक चौराहा पे कपड़ा सेल करवाते हैं बाज़ार में, जो मेरे कंपनी में खुद का कपड़ा बनता है, जो होलसेलर के हम रेट में देते हैं वही रेट हम लेते हैं जो मेरे पास हेल्पर रहता है जो मार्केट में चौक चौराहे पे कपड़ा सेल करता है, और बाकी वो जितना का सेल कर सकता है सेलिंग के हिसाब से है ना। हाँ। अच्छा ड्यूटी की बात करते हैं, ड्यूटी कितना घंटा का ड्यूटी रहेगा आपका? सर मेरे पास जो हेल्पर का काम है मार्केट में चौक चौराहा पे कपड़ा सेल करना है, तो उसमें कभी 4 घंटा भी कर सकता है, कभी 6 घंटा भी कर सकता है, 8 घंटा, मतलब जितना ज़्यादा सेल करेगा उसका कमीशन सिस्टम है। कमीशन सिस्टम? हाँ, 15%, 20%, 10%, हर एक चीज़ पे अलग अलग कमीशन है। तो जितना ज़्यादा सेल करेगा कभी 500 कमाएगा, कभी 1000 कमाएगा, कभी 2000 भी कमाता है, कभी 3000 बंदा कमाता है। सुविधा आप यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं जो भी वर्कर आएंगे बाहर से? मान चलिए जो भी व्यूअर है जो भी बाहर में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली है, कुछ लोग पंजाब है, कुछ लोग अहमदाबाद में है, तो जो बिहार के कारीगर, देखिए हमारे बिहारी युवा में कारीगर तो है बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे उनको काम नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बाहर पलायन करते हैं। जैसे में अहमदाबाद चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे उन्हें रहने बहुत असुविधा होती है। बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे इस तरह कंपनी खोला है, तो जो लोग वहाँ से यहाँ पे काम करने आएंगे तो यहाँ पे सुविधा उनके लिए क्या दीजिएगा? हम चाहते हैं बहुत सारे जो नया बंदा है जो काम नहीं जानता, अगर कारीगर का काम जानते हैं तो वो आ सकते हैं मेरे पास। बहुत सारा फ्रेशर जो बंदा है उनको क्या होता है कि रोड पे अगर कहते हैं हम मार्केट में माल बेचने के लिए तो बहुत शर्मिंदा लगता है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि शर्म अगर करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम खुद देखिए आज खुद का फैक्ट्री खोल के 5000 स्क्वायर फीट में हम चला रहे हैं, हम पहले खुद पे रोड पे माल बेचे हैं, किसी के अंडर में माल बेचे हैं, 2-4 दिन 10 दिन हम कमीशन पे काम किए, उसके बाद आज हम अपना कंपनी चला रहे हैं। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है कि देखिए इन्होंने पहले भी अपना जो काम शुरू किया था तो फुटपाथ से ही शुरू किया था, लेकिन आज देखिए इतना बड़ा कंपनी इन्होंने खड़ा कर दिया। डे बाय डे मेहनत करके इस तरह से होता है, तो आप भी अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं और डे बाय डे मेहनत करके इससे ही बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल सर। सर जी अगर बात करें यहाँ पे सुविधा क्या क्या दे रहे हैं? सुविधा मेरे पास जो भी कारीगर से लेकर जो भी आता है रहने के लिए सुविधा देते हैं, बाकी खाना सबका अपना अपना है खाना। दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हैं ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रहने का सुविधा दिया जाएगा, लेकिन खाना का प्रबंध आपको खुद से बनाना होगा और खाना होगा। जो भी मेरे पास सेल्समैन आते हैं अगर मार्केट में हम कपड़ा के लिए सेल लगाते हैं तो बाजा के रिकॉर्डिंग दिया जाता है, नहीं चिल्ला के बेचना है, नहीं किसी तरह ले जाके मार्केट, यहाँ काउंटिंग होके जाता है वहाँ पे बेचना है,
गाड़ी का सुविधा दिया जाता है कि वहाँ पे मार्केट में लगा के और शाम को लेके चलाता है। हर एक तरह का सुविधा यहाँ पे दिया गया है। सबसे अहम सवाल यह रहता है कि सर जी, अगर मान के चलिए कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइन कर सकता है इस कंपनी में? सर मेरे पास आईडी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तीन आईडी चाहिए, वो भी ओरिजिनल मेरे पास चाहिए। बड़ी बात यहाँ पे यह होती है कि अगर आपको इस कंपनी में ज्वाइन करना है, जॉब करना है, तो आपको जॉब के नाम पे एक रुपया भी नहीं देना सर, ज्वाइनिंग या कोई चार्ज वगैरह भी लेते नहीं? कोई चार्ज नहीं है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरों अभी कह रहे हैं जो भी नया फ्रेशर मेरा बंदा मेरे पास आता है, मार्केटिंग का सेल का काम दिया जाएगा। मार्केट में बार बार हम बता रहे हैं चौक चौराहे पे कपड़ा सेल करने पड़ेगा, उसमें कमीशन सिस्टम है 10%, 15%, 20%। कहने का मतलब है किसी पे 10, किसी पे 20, किसी पे 15 रुपये, इस तरह का मेरा प्रोसेस है। और एक दिन का बंदा नहीं भी तो कमाता है कम से कम 500, 1000, 800, कभी 400 भी कमाता है, कभी 2000 भी कमा रहा है, बहुत तरह का। अगर 100 पीस भी बेच दिया 20 रुपये के हिसाब से तो 2000 रुपया बन गया जी। एक बार बताइए यहाँ पे सैलरी आप कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे मंथली दे रहे हैं, यहाँ पे वीकली दे रहे हैं? सर मेरे पास जो भी काम करता है कारीगर का जो है पीस रेट का यहाँ पे मेरे पास काम है, और जो सेल्समैन का बनता है वो डेली का डेली हम दे देते हैं, जितना भी कमीशन होता है वो सेल करके आए हैं डेली का डेली दे दिए, कभी 1000 हुआ, कभी 500 हुआ, कभी 2000 हुआ, मतलब जितना भी कमीशन हुआ वो खुद हमें पैसा काट के दे सकता है। दोस्तों अगर आपको ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर रहा है, उस पर कॉल करके बात करके आसानी से यहाँ पर आ करके और ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों आज तो इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें।